हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे स्टेटिस्टिक। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला है। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन वितरण। ऑलरेडी चैप्टर के 10 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग से प्लेस में जाकर वो जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे इस चैप्टर का जो फॉर्मूला है, बेसिक कैलकुलेशन, वो आपको आता रहेगा, तो आज का सम संबंध में आपको आसानी रहेगी। आज हम क्या सीख रहे हैं, जिसके अंदर थी वधु वाले जो मोर देन के टॉपिक है, उसकी रिगार्डिंग जो एक्सेस के अंदर क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 दिए गए, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखना। और टाइम बचा तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हम आज सॉल्व कर लेंगे। तो इन सम्स के थ्रू आपको थ्री वधु वाला, मोर देन वाला टॉपिक कंप्लीट समझ में आ ही जाएगा। इसी तरह और कोई सम्स भी आप चाहते हो एक्सेस के अंदर, तो उसकी रिगार्डिंग आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं चाहूंगा कि जो साबिती वाले, जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है 14 से लेकर 19, वो मैं कवर कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते स्टूडियो को। एंटर देखिएगा, कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, और रिक्वेस्ट है स्टूडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, मैं इंग्लिश गुजराती दोनों में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इंग्लिश में आपके पास बुक रख सकते हो ना, इंग्लिश में मैं टोटली एक्सप्लेन करूंगा। तो 10, 11, 12, तो सबसे पहले स्टार्टिंग 12 से करता हूँ, फिर हम कंटिन्यूस करेंगे। तो पढ़ता हूँ, रीड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मध्य एम हमें दे दिया गया है। आई होप बेसिक आपको पता रहेगा, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन की ही बात करूंगा, ये सब आप जानते होंगे। मध्य एम, तो हमारे पास ऑलरेडी मध्य का एम मतलब मीन इज इक्वल टू करके दे दिया गया है। अब डायरेक्ट किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई वही देख लेते। तो बोला गया एक्स, जिसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती, उसकी वैल्यू कीमत 1 अथवा 3 थी वधु, ठीक है, 1 और मोर देन, उसकी संभावना प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो सिंपल तरीके से लिखा गया, एक बार लिख लेता हूँ, देख ही लिया गुजराती इंग्लिश दोनों में, 1 अथवा 3 थी वधु, 1 अथवा 3 थी वधु, इंग्लिश में होगा 1 और लिखा होगा मोर देन, ठीक है, मोर देन। तो अब देखिएगा सिंबल में आपको संबंधना थोड़ा जरूरी, क्योंकि सिंबल में लिख कर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना ईजी रहता है। मोर देन के लिए आप ग्रेटर देन हमेशा लगाओगे, मोर देन ते वधु के लिए आप ग्रेटर देन हमेशा लगाओगे। वन बोला था, वन तो आपको लिखना है। अब आपको अंडरलाइन लिखना है कि नहीं लिखा वो समझना, जब भी बीच में अथवा और लिखा है मतलब उसको भी इन्वॉल्व कर लेना है, ठीक है, 1, 1 अथवा 3 थी वधु, तो उसको भी इन्वॉल्व करना है, जिसका मतलब इसके नीचे अंडरलाइन आएगा। लेकिन डायरेक्ट वन, ठीक है, कि 1 थी वधु डायरेक्ट बोल दिया गया है, मोर देन 1, तो आपको नीचे अंडरलाइन लिखना नहीं। अब इसमें कौन कौन से वैल्यू की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को समझते हैं, थोड़ा देखिए। आपको लिखा गया है 1 अथवा 3 थी वधु, मतलब एक उसमें अभी आएगा और उससे वधु, मतलब 1, 2, 3 ऐसे आपको इन्फिनिटी तक का फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी। लेकिन आप ये सारे एक्स का निकाल नहीं पाओगे, तो हम सेकेंड ऑप्शन क्या चूज करते हैं, जो बाकी रह गया एक्स में, जो वैल्यू बाकी रह गया। आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, तो 1, 2, 3 तो सब आ चुका, तो ओनली क्या बाकी रहेगा, 0 बाकी रहेगा। तो अब 0 की प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर लेंगे, और हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट 1 में से माइनस कर देते हैं, तो थी वधु के अंदर ऑटोमेटिक बाकी बच्चे सारे की प्रॉपर्टी हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर देते हैं, शॉर्टकट मेथड होती है। तो आप समझ रहे हो, 1 कहती थी वधु बोला गया था, इसलिए 1, 2, 3 आया गया, बाकी बचा ओनली 0, तो 0 की प्रॉपर्टी आपको फाइंड आउट करनी है। मतलब यहाँ पे आप समझ गए होंगे, 1 माइनस P0 करने पर आपका आंसर आ जाएगा। तो P0 के लिए आपको पता है फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैं समझ रहा हूँ, एक बार लिख के बता देता हूँ, e^m, m^x / x^2। आपको m डायरेक्ट 2 दिया गया और x बराबर हमारा 0 है, तो e m है हमारा 2, एम हमारा 2, और एक्स की वैल्यू कितना है, 0/0। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, e^2 की वैल्यू हमें सम्स में दी गई है, आप देख लीजिए यहाँ पर 0.1353, तो यहाँ पर रख देना है 0.1353, और जिसका पावर 0 होगा उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, और 0 फैक्टोरियल का भी आंसर 1 आएगा। तो इसका डायरेक्टली आप आंसर समझ गए, 0.1353 आने वाला है, और आपको ये माइनस 1 आउटसाइड आपको भूलना नहीं है। तो लास्ट में जाके आपको ये माइनस करना रहता है, यहाँ पर चाहो तो आप ब्रैकेट कर सकते हो, क्योंकि ओनली 1 ही था, ठीक है। तो 1 के साथ जैसे आप माइनस करोगे, तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 0.8647। ये आंसर किसका निकला है, ऑटोमेटिक मोर देन वाला, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1 का हमारे पास आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी का। क्लियर हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। सिंपल सा अगले सम सॉल्व करेंगे तो और आपको समझ आ गया, 0 तक था, आगे 1, 2 वाला भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ, लास्ट देखिए तो आपको शॉर्टकट समझ में आ ही जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 12 के बाद 11 की ओर, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। पहले एम की बात करते हैं, यहाँ पे एम डायरेक्ट ये दे दिया गया था, यहाँ पर एम हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए भी दिया गया 0.5% दिया गया है, और वस्तु थी 100 दे दी गई। तो ऑटोमेटिक आप जानते हैं कि हमारा मीन कैसे फाइंड आउट होता है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा ये है 11, जहां पर एम हमें फाइंड आउट हो जाएगा, एवरेज मीन एनपी करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एन मतलब यहाँ पर नंबर, कितनी वस्तु दी गई है, 100 की बात की गई, तो एन इज इक्वल हमारा यहाँ पर 100 हो जाएगा। पी मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, डिफेक्टिव
की जो खामी वाली प्रोबेबिलिटी, तो दिया गया खामी वाली 0.5, आगे टका भी लिखा है परसेंट भी, तो वो भी आपको समझना रहेगा। 0.5 तो आएगा, टका मतलब परसेंट का 100 आता है, अपन में क्या आता है 100, तो ऑटोमेटिक 100 से 100 कट होगा, तो m इज इक्वल क्या मिला आपको 0.5 मिला, तो ये हमारा m हो गया। मीन क्लियर है। अब इसके बाद देख लेते हैं सर कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। तो बोला गया है बे के थी वो, तो बीच में के लिखा है, यहाँ पे अथवा था, यहाँ पे के था, बात एक ही है, इंग्लिश में तो और ही लिखा होगा, टू और मोर देन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा करना कैसे, लास्ट देखो तो क्लियर आपको हो जाएगा। क्या लिखा, बे के तेथी वधू, इस तरह से लिखा गया है, टू और मोर देन। तो अब इसको आपको सिंबल में कन्वर्ट करना समझ में आ गया होगा, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन आएगा, टू भी आएगा, अब नीचे इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि के लिखा है, के अथवा यहाँ पे और लिखा, मतलब दो को भी उसमें इन्वॉल्व करना है, इसलिए यहाँ पे इक्वल आएगा ही। अब आपको समझना है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालना है, वन में से कौन सी प्रोबेबिलिटी आपको माइनस करनी रहेगी। तो पहले शॉर्टकट समझ लीजिए, आपको कौन कौन सी वैल्यू का फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, बे के थी वधू, बे के ते थी वधू, दो और दो से ज्यादा, दो तीन चार पाँच, तो समझ गए इन्फिनिटी। तो हम लोग इस टाइम क्या करते हैं, बाकी जो बचा टू के अलावा बाकी क्या बचा, स्टार्टिंग जीरो से होता है, जीरो भी बचा और वन, तो यहाँ पर ये दो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब पी ऑफ जीरो प्लस पी ऑफ वन, ये दो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और वन में से माइनस करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू का आंसर आ जाएगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। मांगा गया था टू थ्री फोर फाइव, हम फाइंड आउट करेंगे जो बचा जीरो और वन, और जीरो वन का निकाल के वन में से माइनस कर देंगे। फटाफट सॉल्यूशन में बता देता हूँ, एम की वैल्यू समझ में आपको आ चुकी होगी, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, आप समझ गए, ये एम की वैल्यू लिख दी मैंने, आप समझ पा रहे होंगे। तो एम बराबर 0.5, ये एक्स बराबर 0, इतना तो आप माइंड में आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर एम और एक्स की वैल्यू लिखी है। अब वन के लिए लिख रहा हूँ, ये हमारा एम है, ठीक है, और यहाँ पर एक्स इस बार वन होगा, दोनों का साथ में सॉल्यूशन करना रहता है 1 factorial। क्लियर है यहाँ तक, अब इनका सॉल्यूशन कर लेते हैं। e^2 0.5 का आंसर हमें दे दिया गया होगा, ये देखिए e की वैल्यू दी गई 0.6065 दे दी गई है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 0.6065, यहाँ पे 0 तो उसका 1 ही आएगा, 0 का 1 ही आएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको आता ही रहेगा, पहले वीडियो देखे इसके लिए, स्पीड में मैंने कहा पहले वाले वीडियो जरूर देखेगा, जो नॉर्मल है वो मैं स्पीड में समझाता जाऊँगा। कैलकुलेशन देख लेते हैं फटाफट, हमारा आंसर आ चुका है फर्स्ट वाले का, इनटू में 0.5 करना रहेगा, और 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3032, आगे 5 भी मैं लिख लेता हूँ, बस हो चुका है, दोनों को प्लस कर लीजिए, दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 0.90975 भी हम लोग लिख लेते हैं, और लास्ट में 1 में से हमें क्या करना है माइनस, और जैसे आप 1 में से माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.902, आगे 5 भी लिखे क्योंकि हमने लास्ट तक लिखा गया है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है P ऑफ x ग्रेटर एन इक्वल टू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ पे x बराबर 0 1 निकालना पड़ा, ये आपको बस इतना पहचानना आना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन हम पहले सीख चुके, क्लियर। एक और समझ करते अभी लास्ट तक देखिए, यहाँ तक वीडियो देखा प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर आपके एग्जाम रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है वो अपडेट कर ली जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की और, अब इसके बाद आपको क्लियर समझ में आ ही जाएगा। पहले एम की बात कर लेते हैं, अब एम के लिए स्टर नहीं दिया गया, यहाँ डायरेक्ट एम दिया गया था, यहाँ पे एम फाइंड आउट हो गया एन और पी की तरह, अब यहाँ एन और पी दोनों ही दे दिया ना डायरेक्ट दिया गया, एक वर्ड लिखा गया, ध्यान से समझिएगा, बीच में सरेराज दिख रहा है एवरेज, इंग्लिश वाले अपने पास बुक रखेंगे, एवरेज दिख रहा है, लिखा गया 5 पाना दीट सरेराज तरण भूलो, इसमें बोला गया 5 पाने में से 3 पानों में क्या होते हैं भूल होती है, डिफेक्टिव होते हैं, वो हमारा एवरेज बन जाएगा। तो शॉर्टकट सा आंसर है, कॉमन सेंस लगाना, एम इज इक्वल टोटल 5 पन्ने तो अपन में आए गई, क्योंकि ऐसे भी आपने देखा होगा m अपन n होता है कि नहीं, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए ये इस तरह से, इसके लिए समझ, टोटल 5 में से 3 पाने क्या होते हैं डिफेक्टिव होते हैं, भूल वाले होते हैं, तो ऑटोमेटिक 3/5 करो तो 0.6 का रेशियो एवरेज निकल के आता है, 5 में से 3 पन्ने डिफेक्टिव वाले निकलते तो हमारा एवरेज मीन 0.6 बन जाएगा, समझ में आ गया होगा। आगे प्रोबेबिलिटी के लिए क्या बोला गया, बे थी वधू, यार देखो डायरेक्ट बे थी वधू बोला, यहाँ तो के था अथवा था, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट बे थी वधू बोला, तो अब समझना क्या होगा, तो पहले यहाँ लिख लेता हूँ रफली, बे थी वधू मोर देन टू, डायरेक्ट बोला गया मोर देन टू, अब बीच में और नहीं लिखा गया है, बीच में के अथवा नहीं लिखा गया है, तो सिंबल समझ रहे होंगे, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन टू टू आएगा, लेकिन नीचे इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि दो को उसमें शामिल करना नहीं है, दो और दो से ज्यादा नहीं है, ठीक है, टू और मोर देन इज नीचे इक्वल आपको इन्वॉल्व करना नहीं है। तो अब एक्स बराबर क्या हुआ, बे थी वो तुमने डायरेक्ट 3, 4, 5, यहाँ 2 नहीं आएगा, तो हमको कौन कौन सा फाइंड आउट करना पड़ेगा, 0, 1 और 2 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा,
समझ गए। इसलिए ये मोर देन वाले के अंदर आपको समझना पड़ेगा नीचे इक्वल आता है कि नहीं आता, उससे ये लास्ट वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है नहीं करनी है समझ में आता है। तो यहाँ पर जीरो भी निकालना है, ठीक है, प्लस वन और लास्ट में टू, इन तीनों की प्रॉबिलिटी निकालना है, फिर आपको वन में से माइनस करना, तब जाके आपका आंसर आएगा। क्लियर हो रहा होगा? बी थी वो डायरेक्ट बोला गया, तो बी थी वो में आपको तीन पे आ जाना है, तो आपको जीरो वन टू निकालना पड़ेगा। तो तीनों का आंसर में ऐसा है तो फटाफट जीरो वन टू का लिख लूँ, आप कर पाओगे क्योंकि 0.6 का आंसर दिया हुआ है, आई होप आपको ये सब आता होगा ही। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूँ, देखो जीरो का आंसर आएगा 0.4588, प्लस वन का आंसर आएगा 0.329, थ्री कर लेता हूँ डिजिट इंक्रीज कर ली, टू का आंसर आएगा 0.09878, ठीक है, ये तीनों का प्रॉबिलिटी का आंसर आ चुका है। लास्ट में वन में से माइनस करना है तो तीनों को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं 0.9769, और उसमें से माइनस करोगे तो 0.0231 ही हमारा प्रॉबिलिटी बन गया पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन टू का। लेकिन सुनिएगा, यहाँ पर आंसर संभावना तक नहीं बोला गया था, क्या बोला गया था, कुछ आगे नया लिखा गया था, यहाँ पर केतला पाना नंबर ऑफ पेजेस मांगा गया, तो टोटल पेजेस कितने 100, तो कुछ बात नहीं, नंबर ऑफ पेजेस तो आपको संभावना के साथ कैपिटल एन का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको पेजेस की संख्या पता चल जाएगी, 100 है ना पेजेस, तो 100 का मल्टीप्लाई कीजिए 2.31, ये नंबर ऑफ पेजेस आपका आंसर आ गया। संज्ञा वरना प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ तक आपका आंसर परफेक्ट ही है। क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना। आई होप आपको तीनों सम समझ में आ चुके होंगे, जैसे मैंने कहा एक और सम में समझा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 समझाना क्या, उससे आपको आता ही है, जस्ट मैं रफली आपको लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 आपको एम मध्यक डायरेक्ट दे दिया गया 0.81, अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, प्रमाणित विचलन बोला गया है, तो प्रमाणित विचलन मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन बोला गया, प्रमाणित विचलन तो आपको पता है इसके अंदर जो गुणधर्म है हमारा प्रोबेबिलिटी, उसमें आपको पता है कि जो विचरण होता है ना, विचरण इज इक्वल मध्यक होता है, विचरण मध्यक के बराबर होता है, वेरियंस इज इक्वल टू मीन होता है, तो आपको उसका एस डी मांगा गया, एस डी मतलब उसका रूट हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, रूट मतलब 0.81 का रूट निकाल लो, रूट मतलब कितना हो गया 0.9 हो गया, ये हमारा हो गया एस डी प्रमाणित विचलन, क्योंकि विचरण जो होता है वही मध्यक होता है, और आपको प्रमाणित विचलन बोला गया है तो मध्यक आपको रूट निकाल लेना है, ऑटोमेटिक वो हमारा प्रमाणित विचलन बन जाएगा। क्लियर है? और आगे तो संभावना निकालना है, एक्स बराबर जीरो तो आंसर निकालो, एक्स बराबर टू हो तो आपको आंसर निकालना है, एम हमको दे दिया गया, इजीली आप लोग इसका यूज करके आंसर निकाल लोगे, जो बेसिक हम पहले से सीख चुके, इसलिए इसको मैं सॉल्व निकाल रहा हूँ। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, क्वेरी है तो मैं कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इसी तरह और कुछ सम्स चाहते हो एक्सरसाइज के अंदर तो उसकी रिगार्डिंग भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।